हर 200 डिग्रीज में आपका स्वागत है। दोस्तों फाइनली यहाँ पे नोकिया G21 को रिलीज करने के बाद नोकिया G22 को लाने की प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे देखा जा रहा है 21 के मुकाबले में ये 22 काफ़ी कुछ अपग्रेशन नज़र आ रहे हैं इसमें, लेकिन यही बताया जा रहा है कि G21 का ही ये सक्सेसर और अपग्रेशन है। लेकिन बताया यहाँ पर और भी जा रहा है कि ये स्मार्टफोन शायद सबसे उससे ज़्यादा कुछ इसमें यूनिक दिखाई दे डिज़ाइन के मामले में, लेकिन देखते हैं इसमें क्या कुछ इसमें है। ताकि कुछ लीक्स के हिसाब से सक्सेसर बताया जा रहा है और कुछ लीक्स के हिसाब से ये बताया जा रहा है कुछ अपग्रेडेशन है। तो यहाँ पे फीचर्स के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं ताकि आपको डाउट ये क्लियर हो जाए। तो फिलहाल नोकिया G22 5G के साथ ये आ रहा है। यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में बताया जा रहा है कि ये 6.5 इंच की लार्ज वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले का सपोर्ट है और 90Hz रिफ्रेश रेट पर काम कर रहा है और 180Hz टच सैम्पलिंग रेट पर है, जो कि 400 निट्स ब्राइटनेस व सनलाइट ब्राइटनेस बूस्ट जैसे फीचर के साथ है। प्रोसेसिंग के लिए अक्टा कोर प्रोसेसर के साथ यूनिसोक T606 चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए नोकिया G22 के बैक पैनल पर फ्लैश LED का दिखाई दे रहा है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है, 1.8 अपर्चर 2 मेगापिक्सल का है, जो कि काफ़ी कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 8 मेगापिक्सल का सेंसर भी है और बैटरी की बात करें तो 5050mAh की बैटरी के साथ है और 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी जाएगी। चिपसेट की बात करें यूनिसोक का है, T606 में है, 4GB रैम के साथ है और एक बताया जा रहा है कि ये 22 में सिंगल कोर जो स्कोरिंग इसकी मिली हुई है 22 सिंगल स्कोर है और यहाँ पे 800 मल्टी स्कोर की बात की जा रही है। ये आपको हूबहू कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि G21 ही है और मतलब कि उसी का रीब्रांड वर्जन कह सकते हैं, सक्सेसर भी कह सकते हैं। डिज़ाइन के मामले कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, एक थोड़ी सा यहाँ मुकाबला नज़र आ रहा है जो कि इसका चिपसेट है, हो सकता हो इसको चेंजेस कुछ करें, लेकिन डिज़ाइन सेम हो वो मिल रही है 21 की ही तरह और बाकी कुछ तो आप देख ही सकते हैं। प्राइस के हिसाब से इससे बात करें डिस्प्ले को लेकर, डिस्प्ले भी आपको सेम नज़र आ रही है, आपको कैमरे का फीचर्स भी सेम नज़र आ रहा है। वाटर ड्रॉप नॉच उसमें 21 में भी दिया था, इसमें भी दे रखा है, तो फिलहाल मिला जुला के सेम ही है। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो एक बार अपने तसल्ली के लिए आप उसको देख सकते हैं 22 को, उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो यहीं तक के लिए, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।